घोषणा के अनुसार 8 मई से 13 मई तक कड़ा लॉकडाउन किया जा रहा है और इसको अमल में लाने पुलिस विभाग भी सुबह से ही हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी ने दिए आदेश पर पूरे जिले में कड़ा लॉकडाउन हो गया है। शहर में भी इसी आदेश के मुताबिक स्थिति बनाए रखने के लिए उप विभागीय अधिकारी चंद्रपाल खंडाई, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, तहसीलदार श्रीराम मुद्रा, थानेदार संपत चौहान, इनके मार्गदर्शन में पुलिस ने सुबह से ही कड़ा बंदोबस्त किया है। जो भी व्यक्ति बिना कारण सड़क पर दिखाई देता है उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही लोगों ने घर पर ही रहे ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है। आज से 5 दोनों के लिए शुरू हुए कड़े लॉकडाउन से सड़कें सुनसान हुई। सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, स्कूल वगैरह बंद रखे गए हैं। सभी बंद रहने पर कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देने पर पुलिस ने उन पर दंडात्मक कार्यवाही की। लॉकडाउन कड़क लॉकडाउन लावला आहे जिल्हा प्रशासनाकडून। कोरोनाची संकट जी तुटली पाहिजे, जिल्ह्याचे कोरोनाचे आकडे जे वाढत आहेत ते तोडण्याकरिता जिल्हा अधिकाऱ्याकडून जिल्ह्यासह तालुक्यात हिंगणघाट तालुक्यात सुद्धा कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे। हा लॉकडाऊन जो आहे 5 दिवस सतत चालणार आहे, त्यामध्ये कोणत्याही लोकांना घराबाहेर निघण्याची मनाई आहे। अत्यावश्यक काम असल्यासच बाहेर निघण्याचे आदेश दिलेले आहे। किंवा पोलीस प्रशासनाकडून कशा प्रकारे बंदोबस्त सुरू आहे, पोलीस प्रशासन कशी मेहनत करत आहे लोकांच्या जीवासाठी बघू शकता आपण। प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांनी जे आहे पोलीस चौकात चौकात उभे आहे आणि नागरिकांना विचारपूस करत आहे की कोणत्या कामासाठी चाललेले आहे। प्रशासनाने सगळा बंदोबस्त ह्या 5 दिवसात जे आहे ठेवलेला आहे।